चलो दोस्तों शुरू करते हैं अमर चित्र कथा की ओथल। अच्छी कहानी है, ध्यान से सुनना। एक अप्सरा की स्टोरी है ये। ओथल इंद्र के दरबार की अप्सरा थी। उसे कुछ दिन मृत्युलोक यानी भारत में रहने का मौका मिला। फिर वह देवताओं की नगरी अमरावती को लौटी। अमरावती में वह थी, उसकी सखिया थी और था उनका आमोद प्रमोद का जीवन। किंतु यह जीवन उसे पसंद नहीं था और वह चाहती थी कि भारत लौट जाए। ओथल, तुम इतनी उदास क्यों हो? उब गई हूँ। यहाँ धरती के मनुष्य कितने प्रसन्न हैं। यहाँ कैसे, वहाँ तो शर्म करना पड़ता है। यह कैसे, वहाँ तो शर्म करना पड़ता है। शर्म करते हैं इसलिए प्रसन्न रहते हैं। दिन भर मेहनत करते हैं और शाम को नाश्ते गाते हैं। शर्म के साथ ही विश्राम में आनंद आता है। अब समझे, चलो चलो नाचो गाओ, आनंद मनाओ। ओथल की सखिया नाचने गाने लगी, पर वह बैठी देखती रही। मेरे मन की बात ये नहीं समझेगी, किसी तरह मैं भारत चली जाती। एक दिन ओथल देवराज इंद्र की सभा में नृत्य कर रही थी। उसने भारत के अनेक मनोहर प्रसंग प्रस्तुत किए। देखने वाले वाह वाह कर उठे। सुंदर ओथल के नृत्य के क्या कहने। वह नाचते नाचते अचानक जड़वत खड़ी रह गई। यह अपनी पुरानी यादों में खो गई है। हर समय इसका मन भारत के लिए भटकता रहता है। ध्यान टूटने पर ओथल ने जाना कि इंद्र नाराज हो गए हैं। लगता है तुम यहाँ दुखी रहती हो, मैं तुम्हें फिर से धरती पर भेज दूंगा। स्वामी की जैसी आज्ञा। किंतु यदि किसी ने यह प्रकट किया कि तुम कौन हो, किंतु यदि किसी ने यह प्रकट किया कि तुम कौन हो तो तुम्हें तुरंत यहाँ लौटना पड़ेगा। तुरंत ही ओथल बच्ची बन गई और चल दी भारत की ओर। पश्चिम गुजरात की किसी छोटी सी रियासत के राजा को वह मिली। बेचारी कन्या अकेली पड़ी है। राजा उसे महल में ले गया। वह धीरे धीरे बड़ी होने लगी। दिन दिन इसका रूप निखरता जा रहा है। अचानक सिंध के बांबड़िया बादशाह ने उस राजा पर हमला कर दिया। राजा और ओथल किसी तरह निकल भागे और कोई जीवित नहीं बचा। कनरा पर्वत की किसी गुफा में उन्होंने डेरा डाला। बांबड़िया, एक दिन तुझसे इसका बदला लूंगा। राजा और ओथल जंगल में रहने लगे। राजा ने ओथल को तलवार चलाना सिखाया और अरे वाह, तू खूब तलवार चलाती है। धनुविद्या भी। समय बीतने के साथ ओथल जवान हुई, राजा बूढ़ा हो गया था। उसे ओथल के भविष्य की चिंता सताने लगे। ओथल, दुखों में तूने मेरा साथ दिया है, मेरे मरने के बाद तुझे कौन आसरा देगा? मैं चाहता हूँ कि तेरा विवाह हो जाता। अभी तो हम सुखी हैं बापू, आगे देखी जाएगी। मैं चाहता था कि तेरा विवाह हो जाता। मैं तुम पर बोझ बन गई हूँ बापू। ना ना, तू तो मेरे बुढ़ापे का सहारा है बेटी। तो विवाह का अब नाम भी न लेना, मैं तुम्हें छोड़कर जाऊंगी नहीं। और कोई युवक यहाँ आकर रहना नहीं चाहेगा। दिन बीतने लगे और इसके साथ ही राजा की उदासी बढ़ने लगी। बात क्या है बापू, मुझे बताओ तो। मेरी एक ही इच्छा है, वह पूरी नहीं हो पाएगी। ऐसी क्या इच्छा है? अपने राज्य की बर्बादी का बदला लेने की इच्छा। बदला मैं लूंगी बापू, मैं वचन देती हूँ। मुझे तुझसे यही आशा थी ओथल, इसलिए तुझे हथियार चलाने आदि की शिक्षा दी थी। कुछ समय बाद राजा चल बसा, ओथल अकेली रह गई। बापू, मैं अपना वचन भूली नहीं हूँ, बामणिया को हरा कर रहूंगी। ओथल ने समय गंवाना ठीक नहीं समझा। राजपूत युग का भेष बनाकर वह सिंध के नगर समोई की ओर चल पड़ी। उसी समय कच्छ का ओडा जाम भी सिंध जा रहा था। बामणिया के ऊँटों पर पहरा इतना सख्त है कि उन्हें निकालना कठिन होगा। कठिन ओडा के लिए जिसकी वीरता का डंडा बजता है गुजरात, राजस्थान और सिंध में। दोपहर को ओडा ने किसी झील के किनारे पड़ाव किया। कुछ देर में उसे अपने आदमियों की आवाजें सुनाई दी। देखो कैसा बाका जवान है, इसे लूट लेना चाहिए। ओडा उन्हें रोकता इसके पहले ही, बिना लूटे ही मैं तुम्हें सब कुछ दे दूंगा, पर एक शर्त है, मैं पेड़ में तीर मारता हूँ, उसे खींच कर निकालना होगा। हाँ हाँ, मंजूर है। सन क्या निशाना लगाया है और तीर पूरा का पूरा घुस गया पेड़ में। उस तीर को निकाल लाओ, बस फिर मेरा सब कुछ तुम्हारा। सिपाहियों ने बहुत जोर लगाया पर निकलना तो दूर, तीर उनसे हिला तक नहीं। वाह, आदमी असाधारण है यह। ओडा उनके पास पहुंचा। इच्छा हो तो तुम भी जोर लगा लो और तुम खुद निकालो तो।
राजपूत युवक ने सयाजी तीर को खींच निकाला। शाबाश, मान गए जवान, यह तो बताओ तुम हो कौन? पोथल ने अपना भेद बताया नहीं। मेरा नाम एकलमल है और मेरा ओड़ाजाम। क्योर के ओड़ाजाम, जिनकी वीरता की घर घर चर्चा रहती है। हाँ हाँ वही चर्चा तो अभी और बढ़ेगी, सिंध पहुँचने तो दो। तुम भी सिंध जा रहे हो, किस लिए? बामणिया को सीख देने। क्या शोक है, हम दोनों को एक ही जगह जाना है और एक ही काम से, तो मिलाओ हाथ। अवश्य, पर कोशिश और मुनाफे दोनों में हिस्सा बराबर का रहेगा। मंजूर है, तब देर किस बात की? किसी बात की नहीं दोस्त, चलो आगे। नगर समोई जाते हुए, ओड़ाजाम तुमने सोचा तो होगा कि बामणिया को नीचा कैसे दिखाना है। अपने ऊंट उसे बहुत प्यारे हैं, उसके चौकीदारों की आंखों में धूल झोंक कर उन्हें निकाल लाए तो वह तिलमिला जाएगा। लेकिन ओड़ाजाम, तुम्हें यह बदला किस बात का लेना है? मेरे रिश्ते के भाई विशाल देव का अपमान किया था उसने। किराना पाटन के विशाल देव, रास्ते में कुछ लोग मिले थे जो इस बारे में बात कर रहे थे। तो तुमने भी सुन ली मेरे सगे भाई की काली करतूत? कह रहे थे कि ओर से देश निकाला दिया है तुम्हें। ठीक कह रहे थे। ऐसे समय विशाल देव ने मुझे आसरा दिया। अब किराना पाटन ही मेरा घर है। वे आधी रात गए नगर समोई पहुंचे और दबे पांव शाही ऊँटों के बाड़े की तरफ बढ़े। ऊँटों को ऐसे निकालना चाहिए कि संतरियों को आहट न हो। संतरी सो रहे हैं। तुम लोग अंदर घुसकर फाटक खोल दो, मैं ऊँट निकाल लाऊंगा। फाटक तुम खोलो, ऊँट हम निकाल लाएंगे। एकलमल भीतर गया और फाटक पीठ पर उठा लिया। यही सही, मैं तो हर काम में बराबरी का हिस्सा चाहता हूँ। मेरे आदमी कायर है क्या, या इसका बल परख रहे हैं? अब ऊँट बाहर निकालो। शाबाश, ओड़ा के आदमी ऊँट निकालने को बाड़े में घुसे, पर ऊँट अजनबियों को देखकर अड़ गए, हिलते ही नहीं। जल्दी करो, संतरी जाग गए हैं। ओड़ा के आदमी घबरा कर ऊँटों पर जोर आजमाने लगे, लेकिन सब व्यर्थ। अब चल भी बदमाश, अब क्या होगा, संतरी आ गए तो हम कहीं के नहीं रहेंगे। ठहरो, मैं बताता हूँ उपाय। एकलमल ने एक तीर निकाला और ऊँट के चुभा कर थोड़ा सा लहू निकाला। लहू को उसने कपड़े में लगाया और उस कपड़े को भाले पर लपेट कर एक ऊँट को सुंघाया। खून की गंध पाकर ऊँट एकलमल के पीछे हो लिया। फिर क्या था, बाकी ऊँट उसके पीछे चल दिए। बाल बाल बचे, सौभाग्य है मेरा जो ऐसा वीर और बुद्धिमान मित्र मिला। आदमी ऊँटों को ले चले और ओड़ाजाम तथा एकलमल ने संतरियों का सामना किया और उन्हें मार भगा। बामणिया निश्चय हमारा पीछा करेगा, यही हम चाहते हैं, लेकिन इतने ऊँट हैं, हम तेजी से नहीं जा पाएंगे। ऊँट अपने आदमियों के साथ भेज दो और कह दो कि चौराहे पर हमारा इंतजार करे, बामणिया से निपट कर हम वहां पहुंच जाएंगे। ओड़ा के आदमी चल दिए और दोनों दोस्त वहीं ठहर गए। उधर धूल उठ रही है, बामणिया सेना लेकर आ रहा है। बामणिया को आता देख कर ओड़ा का खून खोलने लगा। एकलमल, बामणिया से कहो कि लौट जाए, नहीं तो उसकी पत्नी विधवा हो जाएगी। नहीं ओड़ा, उसे आने दो, तभी तो हम उसे सीख देंगे। एकलमल झपट झपट कर बामणिया के सैनिकों को मौत के घाट उतारने लगा। यही नहीं, बामणिया के रथ का छत्र भी उसने काट गिराया। बामणिया के सैनिक छत्र को उठाते, इसके पहले ही एकलमल उसे उठाकर अपने मित्र के पास सही सलामत लौट गया। कैसा साहस है, कैसी फुर्ती है, कौन है यह और कौन ओड़ा ही होगा? बामणिया तथा सदन बैसी योद्धा से इतना प्रभावित हुआ कि उसने चिल्लाकर उससे पूछा, तुम कियोर के ओड़ाजाम हो? नहीं, मैं तो उनका मामूली सैनिक हूं। तुम मेरी सेना में शामिल हो जाओ, तुम्हें ऊंचा पद और अच्छा वेतन दूंगा। धन्यवाद, किंतु मैं ओड़ाजाम को नहीं छोड़ूंगा। वफादार और बहादुर सिपाही को खरीदा नहीं जा सकता। बामणिया के जाने के बाद एकलमल ने इतना बढ़िया प्रस्ताव ठुकरा क्यों दिया, मुझसे इतनी वफादारी क्यों? क्या सोचने लगे ओड़ाजाम, चौराहे पर तुम्हारे आदमी बेचैन हो रहे होंगे। चलो, वे चले और ओड़ा के सैनिकों से जा मिले। हमने ऊँटों का बंटवारा कर दिया है। ओड़ा ने देखा कि एक तरफ के ऊँट अट्टे कट्टे हैं और दूसरी ओर के कमजोर। एकलमल, इधर वाले ऊँट तुम्हारे हैं, कमजोर ऊँट एकलमल को देना ठीक नहीं है। ओड़ा घोड़े पर सवार हुआ और ऊँटों की दोनों टोलियों के बीच से गुजर गया। इससे ऊँटों के दो बराबर बराबर भाग हो गए। अपने हिस्से के ऊँट ले लो एकलमल,
धन्यवाद मेरा हिस्सा मैंने ले लिया है, मैंने ले लिया और अब उसे अपने परम मित्र ओडा को भेंट करता हूँ। तुम्हें ऊँटों की चाह नहीं थी तो यह कष्ट क्यों किया? ब्राह्मणिया को नीचा दिखाने के लिए। अब मेरे स्वर्गीय पिता की आत्मा को शांति मिल गई होगी। विदाई का समय आ गया ओडाजाम। नमस्कार। नमस्कार ओडा को भूल मत जाना अकलमल। भूल कैसे सकती हूँ ओडा, मैं तो रेगिस्तान की बाबड़ी चिड़िया की तरह जीवन भर तुम्हारे नाम की रट लगाए रखूंगी, लगाए रहूंगी। अकलमल ने अपनी भावनाओं को नियंत्रित रखा। अपने विवाह में मुझे बुलाना मत भूलना। बुलाऊंगा, पर तुम्हारा ठिकाना तो मुझे मालूम ही नहीं। जब मेरी जरूरत हो कनरा पर्वत पर आकर मुझे पुकारना, मैं आ जाऊंगा। अच्छी बात, फिर भेंट होगी। लगता है मेरी कोई अनमोल चीज खो गई है। तुम्हें कभी नहीं भूलूंगा। नहीं अकलमल, तुम्हारी दोस्ती बहुत प्यारी है मुझे, पर एक बात समझ में नहीं आती, तुमने जाते समय मुझसे स्त्रियों की सी बातें क्यों की? अकलमल, दुनिया में हम दोनों का ही कोई नहीं है। मैं तुम्हारे पास आ रहा हूँ, तुमसे अलग नहीं रह सकता मैं। ओडा ने सैनिकों को बुलाया, ये ऊँट विशाल देव के पास ले जाओ और उनसे कहना कि मैं अब नहीं आऊंगा। जम्बू मोरचल अकलमल के पास। जम्बू मोर चला और कई मील दूर सखासर झील के पास पहुंचा। हिन 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 हिन। जम्बू मोर एक पेड़ की ओर भागा। मुझे कहाँ ले चला रहे जम्बू मोर? यह घोड़ा तो अकलमल का है और ये उसके हथियार। मेरा मित्र यहीं कहीं होगा। अकलमल की तलाश में ओडाजाम एक टीले पर चढ़ा। अकलमल झील में नहा रहा है। नहीं, यह तो औरत है। इधर मत देखो, यहाँ से चले जाओ, मुझे निकलकर कपड़े पहनने हैं। ओ माफ करना, मैं अपने मित्र अकलमल को मिलने आया था। तुमने देखा है उन्हें? हाँ, वे कनरा पर्वत की दूसरी तरफ गए हैं। ओडा उधर गया जिधर स्त्री ने बताया था। अकलमल, मैं हूँ तुम्हारा दोस्त ओडा, तुम कहाँ हो? पर जवाब नहीं आया। कोई जवाब नहीं देता। कैसे आदमी से तुमने दोस्ती की है ओडा? तुम जानती हो मुझे, सूरत भी अकलमल जैसी है। कौन हो तुम? ध्यान से देखो, पहचाना नहीं, तुम अकलमल ही हो। मुझे विश्वास था तुम अपने मित्र को खोजने आओगे, पर यह बात क्या है? मैं बताती हूँ, मेरा नाम मोथल है और उसने इंद्र द्वारा अमरावती से निकाले जाने से लेकर सारी बात ओडा को बताई। तुम्हारे अतिथि ने तुम्हें और भी आकर्षक बना दिया ओथल। मैं तुम्हारे बिना नहीं रह सकता, मुझसे विवाह कर लो। कर लूंगी, पर एक वचन देना होगा ओडा। मैं कहाँ से आई हूँ, कौन हूँ, यह किसी को नहीं बताओगे? बता दिया तो मुझे अमरावती लौट जाना पड़ेगा और हम बिछुड़ जाएंगे। वचन देते हो? हाँ ओथल, वचन दिया। उन्होंने विवाह कर लिया। उनका जीवन सुख से बीतने लगा। समय पाकर उनके दो पुत्र हुए, जखरा और जोसल। चारों जंगल में आनंद पूर्वक रहते थे। कई वर्षों बाद एक दिन, क्या बात है ओडा, ओडा जाम उदास क्यों हो? ये कई घंटों से ऐसे ही बैठे हैं माँ। तभी मोरों की कूक उन्हें सुनाई दी। अरे मोर, क्यों मेरे ओडा को परेशान करते हो? इन पर बिगड़ो मत, ये बड़े प्रेमी जीव है। पुरानी यादें ताजा कर दी। मेरे बचपन की याद है ओथल, मुझे मातृभूमि की याद सताती है। मैं एक बार फिर कच्छ जाना चाहता हूँ। क्यों ओडाजाम, यहाँ कोई दुख है तुम्हें? मनुष्य कभी मातृभूमि को नहीं भूल सकता। मैं उस बच्चे जैसा हूँ ओथल, जो नींद के लिए माँ की गोद के लिए तड़पता है। ठीक है ओडा, तुम्हारा सुख इसी में है तो हम कच्छ चलेंगे। वे तुरंत चल पड़े। कच्छ जैसे जैसे निकट आने लगा, ओडा की प्रसन्नता बढ़ने लगी। आह, यह मेरी मातृभूमि का सीमांत है। तुम्हें नहीं लगता कि ये बादल, ये पेड़, ये चिड़िया और पशु सब हमारा स्वागत कर रहे हैं? लगता है ओडा, पर क्या लोग भी तुम्हारा स्वागत करेंगे? बेशक ओथल, ये लोग मेरी वीरता के गुण गाया करते थे। ओडा, तुम पहले जाकर देखो, फिर हमें बुला लेना। बात ठीक कही तुमने, मैं जल्दी ही लौटूंगा। तुम देखना लोग कैसा स्वागत करते हैं मेरा। तुम्हें यहाँ तक सुनाई देगी उनकी आवाजें। पर जब वह कच्छ में पहुंचा तो किसी ने उसे पहचाना तक नहीं। कौन है यह आदमी? कोई नया आया है, अजनबी है, होशियार रहना। किसी को मेरी याद तक नहीं है, जैसे उनका मुझसे कोई सरोकार नहीं। अचानक, अरे ओढ़न्या, किसने मुझे पुकारा? थोड़ी तो शांति रखो ओढ़न्या, इसने अपनी भैंस का नाम मुझ पर रखा है। ओहो, यह चारण है, मैंने कभी इसे बछड़ी दी थी, वही भैंस हो गई है। मुझे पहचाना नहीं, मैं ओडा जाम हूँ। ओ, मैं तो चौंक ही पड़ा।
तुम्हें कैसे नहीं पहचानूंगा भला, तुम्हारे कारनामों पर तो गीत लिखे हैं मैंने। पर यहाँ कच्छ क्या करने आए हो, यहाँ खतरा है। खतरा? कैसा खतरा? तुम्हारा भाई राजा तुम्हें मरवा देगा, वह तुमसे घृणा करता है और डरता भी है। मेरा सगा भाई, कैसी दुनिया है यह? मैं अभी चला जाऊंगा, वह निर्भय राज करता रहे। मुझे इसका दुख तो है ओडा, पर बुद्धिमानी इसी में है। ओडा ने लौटकर उथल और अपने बेटों को भाई की बात बताई। यहाँ आकर हमने अच्छा नहीं किया, अब कहाँ जाए? पिराना पाटन विशाल देव के पास। हाँ बापू, चलकर उनसे मिले, तुम हमेशा उनकी बातें करते हो। पिराना पाटन में विशाल देव ने बड़े स्नेह से उनकी आव भगत की। ओडा, मैं तो तुम्हारी सूरत देखने की भी आस छोड़ चुका था, तुम सबका स्वागत है। पिराना पाटन में ऐसी खुशी दिन बीतने लगे। एक दिन, काका हम यहाँ महल के बाग में तो रोज ही खेलते हैं, मेरी और जकरा की इच्छा है कि आज झील के किनारे जाकर खेले। नहीं बच्चों, उधर आदमखोर शेर रहता है। सुनो ना जैसल, तुम्हें नहीं लगता कि यह हमारे लिए चुनौती है? लगता है जखरा उस शेर को मारेंगे। दोनों भाई धनुष और बाण लेकर चुपचाप जंगल में पहुंच गए। देखो शेर, ए उनकी आठ पाकर शेर दहाड़ा और उन पर झपटा, पर मर गया तीर सीधा कलेजे में लगा। इसकी खबर सारे शहर में आग की तरह फैल गई। महल में भी बड़ी सनसनी फैली और दरबार में, बालक वीर है ओडा के पुत्र जो ठहरे, इनकी माता भी जरूर सुरवीरों के परिवार की होगी। किस कराने की हैं वे? पता नहीं, ओडा से पूछे। ओडा जाम, इन वीर बालकों की माता कहाँ की है? ये बच्चे नामी जालाओं के भांजे हैं। जाला? हाँ हाँ, ऐसा कोई घराना नहीं है ओडा। ओडा, तुम कुछ छिपा रहे हो, तुम सच बात बताते क्यों नहीं? बालकों को यह बात अपमानजनक लगी, उन्होंने तलवारें निकाल ली। बापू, यह अपने मान का सवाल है, हमारी माँ के परिवार में कोई बुराई है क्या? सच्ची बात बता दो, नहीं तो हम सब मर जाएंगे। सच्ची बात बताऊं तो ओथल को गवा दूंगा, नहीं बताता हूं तो वंश पर कलंक लगा रहेगा। सच्ची बात मत कहलवाओ, मुझसे पछताना पड़ेगा। कोई बात नहीं, कलंक से मर जाना भला है। बताओ बापू, हमारी माँ कहाँ की है? ओडा लाचार हो गया। अमरावती की है तुम्हारी माँ, ओथल अप्सरा है। अप्सरा? ओथल अप्सरा है? तभी तुम्हारे पुत्र ऐसे वीर हैं। यह सारी प्रशंसा ओडा के कानों में खोलते तेल की तरह पड़ रही थी। तुम बड़े भाग्यशाली हो ओडा। वही हुआ जिसका उसे डर था, वह जैसे ही अपने घर में आया। मुझे क्षमा कर दो ओथल। ओ ओडा, तुमने दुर्भाग्य को बुलावा दे दिया। विदा मेरे प्यारे ओडा। ओथल बेबस थी, वह अमरावती लौट गई, पर ओडा उसे भूल नहीं पाया। कच्छ के लोग भी उसे नहीं भूले, वे आज तक ओथल और ओडा के प्रेम के गीत गाते हैं। समाप्त दोस्तों, अच्छी कहानी थी, जरूर लाइक सब्सक्राइब करना।